मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, आतंकी हाफिज को अब अपने खात्मे का डर सता रहा है। पहले हाफिज के राइट हैंड माने जाने वाले मुफ्ती कैसर फारूक को अज्ञात बंदूकधारियों ने कराची में मार डाला। वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार था। कराची में उसकी हत्या के बाद किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उसके बाद हाफिज का बहनोई और उसका राजदार अब्दुल रहमान मक्की भी अब लापता बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को इसी साल जनवरी महीने में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। आतंकी हाफिज इस वक्त जेल में बंद है और अब जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि हाफिज के कुनबे के साथ जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह लश्कर ए तैयबा में बगावत है। पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के अंदर विवाद गहरा रहा है। पहले हाफिज के बेहद करीबी माने जाने वाले मुफ्ती कैसर फारूक को अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा, अब उसका बहनोई मक्की भी लापता है। पाकिस्तानी खुफिया संगठनों का अनुमान है कि हाफिज सईद के जेल जाने के बाद लश्कर ए तैयबा में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके चलते लश्कर प्रमुख के सहयोगियों को एक एक कर मारा जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के अंदर हाफिज सईद के बेटे तलहा को दूसरे नंबर का कमांडर बनाए जाने के खिलाफ जमकर विद्रोह हो रहा है। तलहा लश्कर ए तैयबा के दूसरे कमांडर के रूप में भारत के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। वो 2019 में लाहौर में एक रेफ्रिजरेटर की दुकान के पास हुए बम विस्फोट में मारे जाने से बाल बाल बच गया था। लश्कर के कई वरिष्ठ गुर्गों ने हाल ही में अपनी जान को भी खतरा बताया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवादी वारदातों में उसकी संलिप्तता के लिए लंबी सजा सुनाई, जिसके चलते उसका जेल से निकलना फिलहाल असंभव बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से हाफिज समय समय पर जेल के बाहर आता रहता है। फिलहाल इस घटना के बाद से हाफिज की जेल में उसकी सेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।